हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अपन पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। इतना टाइम क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर इतना समय लगाया जा रहा है। अभी और चलेगा केमिकल बॉन्डिंग, अभी और चलेगा, ठीक है। जितना टाइम जिस टॉपिक को देना चाहिए उतना टाइम उसको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अपन केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे, एक होमवर्क दिया था आपको, कुछ न करके भेजा, खुशी हुई। कुछ ने नहीं भेजा, करके भेजोगे फायदे में रहोगे, ठीक है। अब मैंने हिंदी मीडियम वाली बायोलॉजी के अंदर भी यही बात बोली, अभी वही बात बोल रहा हूँ, तो आपको बोलोगे यार क्या हो गया इसको, ना। चलो, मैं होमवर्क क्या दिया था वो बता दूँ मैं आपको, कि मैंने आपको बोला था करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल आपको पूछा था, ये होमवर्क मैंने आपको दिया था, ठीक है। कुछ का सही है, कुछ के थोड़े थोड़े क्वेश्चन गलत हुए, कहाँ गलत हुए, ठीक है। अगर आपने वो फॉर्मूला सही से लगाया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। पहले इनको करें क्या? पहले इनको करें फिर आगे चलें? करवाऊँ क्या या फिर कर लिया आपने? चलो एक दो करवा देता हूँ मैं, ना एक दो करवा देता हूँ, आ जाओ। मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, वही मैंने VACPR के अंदर जो फॉर्मूला लगाया, सेम फॉर्मूला आपको यहाँ लगाना था, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर लगाना था, और सेम फॉर्मूले से आप बॉन्ड एंगल भी निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या था? वही था जी, अपना क्या था कि भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन लो, यहाँ पर लिख रखा है टोटल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर लो और उनमें क्या कर दो, 8 का भाग दे दो, ठीक है। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल, उनमें 8 का भाग दे दो, और फिर जो भागफल आएगा वो आपके नंबर ऑफ बॉन्ड आ जाएंगे, और जो शेष फल आएगा उसमें 2 का भाग दे दो, वो क्या जाएगा, आपका लोन पेयर आ जाएगा जी, ठीक है। यही अपन ने किया, और उसी से अपन ने क्या निकाली, हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे थे, इसकी भी निकाल लेते हैं, और उसी से अपन बॉन्ड एंगल निकाल रहे थे। देखो इसका निकाल लेते हैं, CH4 वाले का निकाल लेते हैं, CH4 है जी, CH4 क्या होगा, C की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, ठीक है। अब साइड में किसके क्या जुड़े हैं, हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। हाइड्रोजन का करने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था कि जब साइड में हाइड्रोजन जुड़े हों, जो घेरा हुआ एटम है ना, जो घेरा हुआ एटम अगर हाइड्रोजन हो, घेरा हुआ एटम मतलब सराउंडिंग एटम जो है, अगर वो हाइड्रोजन हो तब आपको क्या करना है, तब आपको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें से हाइड्रोजन के नंबर माइनस कर दो। तो यहां पर क्या करेंगे अपन, वही सेम चीज अप्लाई करने वाले हैं। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 4, माइनस कितने कर दूं मैं, जितने 4 हाइड्रोजन, 4 ही माइनस कर दूंगा, तो क्या जाएगा भाई, 0 लोन पेयर है, कहता है 0 लोन पेयर है, तो यहां से क्या जाएगा, AB4L0, AB4 का मतलब क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो अपने पास क्या आ गई, ये CH4 की आ गई sp3, NH3 की देख लेते हैं, NH3 की देख लेते हैं, आ जाओ NH3, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 5, और 3 क्या है, हाइड्रोजन, तो माइनस क्या कर देंगे, 3, कितना बचेगा, 2, मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, ये 2 क्या है, इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर नहीं है, 2 क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर क्या बनता है, 1 लोन पेयर बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर क्या बनता है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा, 1 लोन पेयर बनेगा, मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, इसका कैसा आएगा, AB3L1, B3 का मतलब क्या है, 3 बॉन्ड है, 1 लोन पेयर है, ठीक बात है। ये तो आपको होमवर्क दिया था, वही करवा रहा हूं, कोई नया नहीं पढ़ा रहा ना। 3 प्लस 1, वाह क्या बोल, 3 प्लस 1 है ना, क्या जाएगा, 4 आ जाएगा जी। 4 क्या होता है, sp3, क्या होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसकी भी क्या होगी, sp3 हो गई जी। फिर H2O की बात कर लेते हैं, H2O, ठीक है, साइड में क्या आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है जी, इसमें भी घिरा हुआ जो एटम है वो कौन सा है, हाइड्रोजन है, ठीक है। H2O में घिरा हुआ एटम कौन सा है, हाइड्रोजन, करवाया था क्या आपको, चलो नहीं करवाया, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे अभी। घिरा हुआ एटम क्या है, हाइड्रोजन है, तो H2O में क्या है, ऑक्सीजन को किसने घेर रखा, हाइड्रोजन ने घेर रखा है। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं, उनमें से कितने माइनस कर दें, कितना हाइड्रोजन है, 2, तो 2 माइनस कर दो, माइनस कर दिए मैंने 2, कितने बच गए, 4 बच गए। अब 4 क्या है, यहां पर इलेक्ट्रॉन आए हैं, 4 क्या है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि 1 लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है मतलब 2 लोन पेयर है, कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, ठीक बात है। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा क्या, कि AB2L2,
AB2L2 अपने को देखने के लिए मिलेगा। ठीक बात है, तो इनको जोड़ लो जी, दो बॉन्ड हैं, दो लोन पेयर हैं, टोटल कितना आ जाएगा चार, और चार के लिए क्या आता है sp3, इसका भी क्या आ गया sp3। अगर इनकी हाइब्रिडाइजेशन जो है, संकरण जो है अलग अलग आता, इन तीनों का संकरण जो है अलग अलग आता, तो अपन बॉन्ड एंगल बता देते। कैसे बताते, ये मैंने आपको बताया था कि अगर बॉन्ड एंगल अलग अलग है तो sp का बॉन्ड एंगल जो वो सबसे ज्यादा होता है, sp2 का उससे कम, sp3 का उससे कम होता है, ऐसे अपन बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बता देते। लेकिन जी सबकी क्या आ गई sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गई, सबकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई sp3 आ गई, तो क्या करें, तो क्या करें, दूसरी स्टेप पे आ जाओ, अगर संकरण सेम हो तब लोन पेयर चेक करेंगे। अब क्या चेक करेंगे अपन, लोन पेयर चेक करेंगे। ठीक है, आ जाओ लोन पेयर चेक कर लेते हैं, लोन पेयर चेक कर लेते हैं। सब पर लोन पेयर है, CH4 पर लोन पेयर नहीं है। ठीक बात है, NH3 पर क्या है, एक लोन पेयर है, और H2O पर क्या है, दो लोन पेयर है। तो ये क्या बोल रहा है यहां पर, अगर लोन पेयर हो सेंट्रल एटम पर, अगर लोन पेयर है तो क्या करना, नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ेंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ेंगे तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल कम होगा। जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे उतना बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। अब इनमें देख लो भाई, ज्यादा किस पर है लोन पेयर, ज्यादा किस पर है, H2O पर दो लोन पेयर है, तो H2O का बॉन्ड एंगल जो है इनमें तीनों में से सबसे कम होगा। NH3 पर क्या है, एक लोन पेयर है, तो H2O से तो ज्यादा होगा लेकिन CH4 से बॉन्ड एंगल कम होगा। ठीक है, फिर बात करें कि इसकी CH4 की, इस पर कोई लोन पेयर नहीं है तो इसका सबसे ज्यादा होगा, तो आपका ऑर्डर क्या आ जाएगा, CH4 का सबसे ज्यादा, फिर NH3, H2O का बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा। चेक कर लिया अपना आंसर। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, एक और कर लेते हैं, CCl4 और SiCl4 में देख लेते हैं, CCl4 और SiCl4 में देख लेते हैं। पहले CCl4 की बात कर लेते हैं, CCl4 कार्बन का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और क्लोरीन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सात होते हैं, तो क्या कर देंगे +7। अब कितने क्लोरीन, कितने हैं क्लोरीन, कितने हैं चार क्लोरीन है, तो सात कितने कर दूंगा (4) कर दूंगा (8) कर दूंगा मैं। ठीक बात है, यही अपना फॉर्मूला था, VSCPR से यही पढ़ते आ रहे हैं यार, एक ही फॉर्मूला पर पढ़ रहे हैं, जोड़वा की गुणा भाग। ठीक है, अब क्या करूंगा इसमें, मैं सोल्व कर लूंगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 32/8, 32/8। अब 32 में 8 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 + 8 = 16, 8 + 3 = 24, 8 + 4 = 32, पूरा भाग जा रहा है, पूरा भाग जा रहा है, तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, भागफल 4 आ गया, शेषफल कोई है नहीं, तो भागफल क्या होता है बॉन्ड। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, तो AB4L0 आ जाएगा। AB4 का मतलब क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, क्या है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो भाई CCl4 की क्या आ गई, sp3 आ गई। SiCl4 की बात कर लेते हैं, फिर SiCl4 की बात कर लेते हैं, ये SiCl4 है। सिलिकॉन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, चार होते हैं, क्योंकि कार्बन के नीचे आता है ना, हाँ चार। क्लोरीन कितने, 7 + 7, कितने क्लोरीन, 4 क्लोरीन (4) कर देंगे, / 8 कर देंगे। ठीक है, क्या यही केस बन रहा है जो CCl4 वाला था, वही केस यहां पर बन रहा है। ठीक है, SiCl4 में बन रहा है, कर लेते हैं, आपको कलर भाई करवाने का कर देते हैं, लेकिन सेम ही आंसर आएगा, तो इसको करेंगे तो कितना देगा 32/8। ठीक है, 32/8 आ गया। अब 32/8 में पूरा भाग जा रहा है, कितना जाएगा 4 आ जाएगा, 8 + 32, शेषफल कोई आ नहीं रहा, भागफल आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, 4 क्या है बॉन्ड है, मतलब क्या है AB4L0, AB4L0 क्या होता है sp3, क्या होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब मान लो इनकी अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन आती तो अपन बॉन्ड एंगल बता देते भाई किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, लेकिन यहां पर तो हाइब्रिडाइजेशन दोनों की सेम आ गई, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गई, तो अब क्या बताएं, कैसे बताएं, तो भाई देखो, तब देखो आप क्या करना है, लोन पेयर चेक करो, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो तो दूसरी स्टेप पर आ जाओ, अगर संकरण सेम हो तब क्या है लोन पेयर चेक करेंगे। लोन पेयर देखो भाई, सेंट्रल एटम जो है, कार्बन जो यहां पर क्या है, एक में कार्बन सेंट्रल एटम है, एक में क्या सिलिकॉन सेंट्रल एटम है, जो सेंट्रल एटम है उस पर लोन पेयर है कि नहीं, आप उनको यह चेक करना है कि जो सेंट्रल एटम है उस पर लोन पेयर है या नहीं है। ठीक है, तो कार्बन वाला देखा था अपन ने, कार्बन में क्या था AB4L0, मतलब लोन पेयर कोई नहीं आया था। फिर बात करें सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन में क्या था AB4L0, लोन पेयर कोई नहीं आया था। अगर लोन पेयर कोई नहीं है, लोन पेयर अगर अब्सेंट है, सेंट्रल एटम पर लोन पेयर अगर अब्सेंट है, तो क्या कर देंगे बॉन्ड एंगल बराबर होगा, तो इन दोनों के बीच में क्या है बॉन्ड एंगल बराबर होगा। कोई अलग चीज बात कर रहा हूं क्या, कोई अलग बात कर रहा हूं क्या, जो मैंने आपको स्टेप्स लिखवाई वही चीज मैं आपको बता रहा हूं, किन दोनों में क्या होगा बॉन्ड एंगल बराबर होगा। ठीक है, जिसने नहीं किया वो देख लो भाई, ऐसे करना था ही।
अब एक और कर लें, ये नोवा भी कर लेते हैं ना। वैसे तो आपको करना था यार ना, जिसने नहीं किया है वो देख लो कर लेना। ICl2+ और ICl2 नेगेटिव, यही है ना, यही है। चलो इसको कर लेते हैं। आयोडीन का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 7, ठीक है। क्लोरीन का कितना? 7, ठीक है। गुणा कितने कर देंगे? 2, क्योंकि 2 क्लोरीन है, बट्टा 8 कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा ना, 21 बटा 8। तो आज तो कितना आ जाएगा, भाग देंगे 21 में 8 का, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 × 8, 8 × 16, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 21 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा जी। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कितना आएगा? 5, ठीक है। अब इसमें भाई 2 का भाग दे दो, जितना आए वो क्या आ जाएगा, आपका लोन पेयर हो जाएगा, ठीक है। ओड इलेक्ट्रॉन है ना, ओड इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, ठीक। ओह सॉरी, ओड इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, यहाँ पर मैं एक गलती कर चुका हूँ। प्लस मतलब, तभी मैंने सोचा यार ओड इलेक्ट्रॉन कैसे आ सकते हैं ना, हाँ प्लस यहाँ पर दे रखा है, प्लस यहाँ पर दे रखा है, मतलब क्या होगा, गलती होगी मेरे से, गलती होगी, माफ कर देना मुझे कराना जी, माफ करना गलती मेरी, माफ कर दीजिए मुझे, माफ कर दीजिए। हाँ देखो कहाँ से पर प्लस है, इसे प्लस भी दे रखा है, प्लस को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, प्लस दे रखा है देखो। हाँ प्लस दे रखा है तो क्या होगा भाई, यहाँ पर प्लस दे रखा है तो क्या होता है, प्लस का क्या होता है, माइनस होता है। जब प्लस आ रहा हो मतलब किसी को इलेक्ट्रॉन दे रखा है, किसी को इलेक्ट्रॉन दे रखा है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, -1 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 20 ही आएगा, यहाँ पर 20 ही आएगा। अब सारा सिस्टम सेट हो गया, अब ओड इलेक्ट्रॉन ही आएगा, ठीक है, ओड इलेक्ट्रॉन ही आएगा। अब कितना आ जाएगा, 2 लोन पेयर आ गया और 2 क्या आएगा, बॉन्ड आ गया, Ab2L2, ठीक है, Ab2L2। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई जी हमसे, ठीक है, गलती से मिस्टेक हो गई, Ab2L2 आ गया। इसका ICl2 नेगेटिव की बात कर लेते हैं, वही 7 × 2 नेगेटिव है, मतलब क्या होगा, +1 हो जाएगा, √8 क्या आ जाएगा, √8 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 22/8 आएगा, कितना आएगा, 22/8, ठीक है। 22 में जब 8 का भाग दोगे कितना आ जाएगा, 8 × 8, 8 × 2, 16 कितना आ जाएगा, 6 में 2 का भाग दोगे कितना आ जाएगा, 3, मतलब क्या आ जाएगा, Ab2L3, ठीक है, Ab2L3। दो बॉन्ड है और 3 लोन पेयर है, इसमें क्या है, 2 बॉन्ड थे, 2 लोन पेयर थे, ठीक है। अब इसके क्या हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ गई, इसकी आ जाएगी sp3 और इसकी आ जाएगी sp3d, ठीक है। इसमें तो कोई देखना ही नहीं है, इसमें तो कोई देखना ही नहीं है अपन को, इसकी क्या आ रही है, sp3 आ रही है, इसकी क्या आ रही है, sp3d आ रही है। sp3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा या फिर sp3d का, तो sp3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, sp3 का बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आपको ऐसे ऑर्डर करना है यार, है ना। इसमें क्या है, सबकी सेम आएगी हाइब्रिडाइजेशन, सबकी सेम आएगी, है ना, क्योंकि सारे क्या है, एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, सबकी हाइब्रिडाइजेशन सेम आएगी। और इसमें देख लेना लोन पेयर के हिसाब से अपना आंसर चेक कर सकते हो, या फिर इनके जो सेंट्रल एटम है ना उनकी साइज अलग अलग बन रही है यहाँ पर, ठीक है, अलग अलग साइज बन रही है, तो उस हिसाब से इनका क्या आएगा, आंसर आएगा। ये अपन कर लिया, आपका होमवर्क भी मैंने करवा दिया, जिन्होंने नहीं किया था वो वापस कर लेना, आज भी होमवर्क दूंगा तो वो भी करना, है ना। अब बात करते हैं, ये अपन क्या पढ़ रहे थे, एप्लीकेशन पढ़ रहे थे, किसकी एप्लीकेशन पढ़ रहे थे, ये ऊपर दिखाता हूं आपको ना, मैंने आपको लिखवाया भी था कि एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जो संकरण है उसकी एप्लीकेशन क्या क्या है। पहली एप्लीकेशन अपन ने पढ़ ली भाई, बॉन्ड एंगल की, बॉन्ड संकरण की मदद से अपन बॉन्ड एंगल निकाल सकते हैं, संकरण की मदद से, हाइब्रिडाइजेशन की मदद से अपन क्या निकाल सकते हैं, बॉन्ड एंगल। तो पहली बॉन्ड एंगल तो अपन ने पढ़ लिया, अब दूसरा चलता है टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल यूज इन हाइब्रिडाइजेशन। बड़े बड़े नाम है, दर्शन छोटे, ठीक है, बड़े नाम, नाम बड़े और दर्शन छोटे, कुछ भी नहीं है भाई इसमें, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ईजी है। टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल यूज इन हाइब्रिडाइजेशन, आपको हाइब्रिडाइजेशन दी जाएगी और पूछा जाएगा कि भाई इसमें कौन से टाइप की डी ऑर्बिटल यूज हुई है, कौन से टाइप की डी ऑर्बिटल यूज हुई है, आपसे ये पूछ लेगा। तो आपको क्या देगा, एक आपको मॉलिक्यूल दे देगा, आपको क्या दे देगा, एक मॉलिक्यूल दे देगा, एक कंपाउंड दे देगा और बोलेगा इसकी आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो, और हाइब्रिडाइजेशन निकाल के हमें यह बताओ कि इस हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा डी ऑर्बिटल यूज हुआ है। मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या बताया था, कि भाई कमरे आपस में क्या होंगे, मिक्स होंगे, हमारे आपस में मिक्स होंगे, तो उसमें डी ऑर्बिटल भी मिक्स हो सकती है, डी ऑर्बिटल भी मिक्स हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो डी ऑर्बिटल मिक्स होगी तो क्या हाइब्रिडाइजेशन, मतलब हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगी, डी ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हो रही है। तो वो आपसे ये पूछेगा इस मॉलिक्यूल की जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें डी
यूज हुआ, मान लो sp3d हाइब्रिडेशन आ गई, कोई मॉलिक्यूल आपको दिया है और उसकी हाइब्रिडेशन क्या आ गई, sp3d आ गई, ध्यान से सुना, sp3d आ गई। अब आपको वो पूछेगा कि ये डी है कौन सा, डी कौन सा है, ये डी के पास कमरे हैं बहुत सारे, अब उन कमरों में से ये वाला कमरा कौन सा है जो इसमें आया है ना sp3d में, ये वाला कौन सा है। अब मान लो आप क्या हाइब्रिडेशन आ गई sp3d2 आ गई, कोई आपको मॉलिक्यूल दिया, आपने हाइब्रिडेशन निकाली उसकी और क्या आ गई sp3d2, वो आपको बोलेगा कि भाई ये d2 दो आए हैं, दो डी आए हैं, लेकिन ये डी है कौन से वो बताओ हमें, तो हमें तो वो बताओ कि ये डी है कौन से, आपको नंबर बताने हैं, मतलब आपको बताना है कि ये डी वाले कौन से हैं। अब आगे आ गया कि sp3d3 आ गई, कोई आपको मॉलिक्यूल दिया और आपको बोला कि इसकी हाइब्रिडेशन निकालो, आपने निकाली जल्दी जल्दी, फॉर्मूला लगाया भाग गुणा बाकी करके आपने निकाल ली, ठीक है निकाल ली, क्या निकाल ली आपने sp3d3 निकाल ली, वो आपको बोलेगा ठीक है आपने निकाल दी sp3d3 तो निकाल दिया आपने, ठीक बात, लेकिन हमें तो ये बताओ कि ये दो डी आए हैं ना, ये तो तीन डी आए हैं, d3 में तीन डी आए हैं, ये डी हैं कौन से वाले, कौन से वाले डी हैं, इनका बताओ हमें, तो इनका हिसाब बताओ कि ये डी है कौन से वाले, तो वही बताते हैं इसके अंदर, वही करना है। बीच में यार लाइट चली गई, इस वजह से लेक्चर भी लेट हो गया और काफ़ी देर तक लाइट चली गई है ना, इससे पहले का जो रिकॉर्ड हुआ है वो उसमें और इसमें दो करीबन दो घंटे का गैप आ गया है। हाँ, sp3d3 आ जाए, मान लो आपको दे दे कि भाई कोई कंपाउंड दिया और आपने उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाली, निकाल लीजिए हाइब्रिडेशन निकालनी तो आती है हमें, sp3d3 आ गया। अब आपको पूछ लिया कि भाई ये d3 आया है, ये d है कौन कौन से वो बताओ हमें, तो आपने sp3d3 निकाल दिया लेकिन ये d3 जो है ये हैं कौन से हमें तो वो बताओ, तब आप क्या बता दोगे, एक तो क्या आ जाएगा dz² क्योंकि वो पहला वाला ही चल रहा है, ठीक है, दूसरा कौन सा आ जाएगा ये dx² y² वाला आ जाएगा, तीसरा कौन सा डी होगा dxy होगा, कौन सा होगा dxy, तो आपको पता लग गया कि भाई डी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कौन सा डी ऑर्बिटल यूज हुआ है, संकरण के अंदर कौन सा डी ऑर्बिटल जो है वो यूज हुआ है वो आप बता सकते हो। कैसे बताओगे, अगर sp3d आई है सिर्फ एक डी है तो मतलब क्या है dz² इसमें यूज हुआ है, अगर sp3d2 आई मतलब दो डी है, एक तो क्या होगा dz² होगा, दूसरा क्या हो जाएगा dx² y² हो जाएगा, अगर तीन है sp3d3 है तो कौन सा डी होगा, एक तो dz² जो पहला चल ही रहा है, दूसरा कौन सा जाएगा dx² y², ठीक है वो आ जाएगा, और तीसरा हो जाएगा dxy, ये आपको याद रखने हैं। अब क्वेश्चन कैसा था वो देख लेते हैं, टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन, कौन से टाइप का, सिंपल सी है ना, कौन से टाइप का डी ऑर्बिटल यूज हुआ है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, किसके अंदर, SF6 के अंदर जो सल्फर है, ठीक है SF6 अपन को मॉलिक्यूल देगा, इसमें सल्फर की जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें कौन से टाइप का डी ऑर्बिटल यूज हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, सल्फर की क्या निकाल लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे, SF6 की हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे, यहाँ पर निकाल रखिए, ऑलरेडी निकाल रखी है लेकिन आपको निकाल कर दिखा भी देते हैं। तो सल्फर के भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, ठीक है, और फ्लोरीन कितने, 7, गुणा कर दूंगा 6, क्योंकि फ्लोरीन कितने, 6 है फ्लोरीन है, ठीक है भाई 8/8, ठीक है। अब भाई इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 7 × 35 = 42, ठीक है 42 × 6 = 48, 48/8, अब 48 में दे दो 8 का भाग दे दो, 48 में क्या दे दो 8 का भाग दे दो, ठीक है 8 का जब भाग दोगे तो क्या जाएगा 8 × 48, ठीक है 8 × 48, ठीक है यहाँ पर क्या आएगा, शेषफल कोई आया नहीं, भागफल कितना आएगा 6 आ गया, मतलब क्या है AB6L0, यही मैंने आपको यहाँ लिख रखा था ना। अब AB6L0 की हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है भाई, 6 आ रहा है, 6 के लिए कितने करते हैं अपन sp3d2, एक मिनट sp3d2, ये अपने पास क्या आ गई SF6 की हाइब्रिडाइजेशन आ गई, ठीक है भैया हाइब्रिडाइजेशन तो निकाल दी। अब वो पूछ रहा है इसमें कौन से डी ऑर्बिटल यूज हुए हैं, जो हाइब्रिडाइजेशन आई है, जो ये हाइब्रिडाइजेशन आई sp3d2, इसमें कौन से डी ऑर्बिटल जो है वो यूज हुए हैं, तो भाई दो डी ऑर्बिटल है, अब दोनों कौन से हैं मैंने आपको यहां बता दिया था, अगर दो हो तो कौन से होंगे, एक dz² होगा एक dx² y² होगा, ठीक है निकाल दोगे इजी है, वेरी इजी, dz² dx² y², ठीक है। अब ऐसे ही आपको ये निकालने हैं, जैसे ये SF6 का निकाल रखा है वैसे ही आपको इनके निकालने हैं डी ऑर्बिटल, और ये है आपका होमवर्क, ठीक है ये आपका आ जाना चाहिए, ठीक चलो आगे चलते हैं। अब दूसरी एप्लीकेशन देखते हैं, दो एप्लीकेशन पढ़ ली अपन ने, किसकी संकरण की एप्लीकेशन ही पढ़ रहे हैं अपन, एक बॉन्ड एंगल वाली पढ़ ली, दूसरी अपन ने टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल, कौन से टाइप का डी ऑर्बिटल होगा वो देख लिया अपन ने, तीसरी क्या है हाइब्रिडाइजेशन इन ओड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज,
कुछ ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक कुछ विषम इलेक्ट्रॉन वाली जो स्पीसीज है उनकी बात कर लेंगे ना, उनके अंदर हाइब्रिडेशन, तो उनकी हाइब्रिडेशन कैसे होगी देखो, समझते क्या होता है वो समझ लो। देखो वो ऑर्बिटल जिनके पास विषम इलेक्ट्रॉन है, देखो आपको सबको पता है कि अगर दो इलेक्ट्रॉन ऐसे हो जो खाली पड़े हो, किसी के साथ में बॉन्ड नहीं बना रखे, दो ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो खाली हैं बिल्कुल, किसी के साथ में वो बॉन्ड नहीं बना रखा, तो उनको क्या बोल देते हैं अपन, लोन पेयर बोल देते हैं। दो इलेक्ट्रॉन खाली पड़े हैं तो उनको क्या बोल देते हैं, लोन पेयर। अब मान लो कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके पास में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पड़ा है खाली, दो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, लोन पेयर तो बन नहीं रहा, वो एक ही पड़ा है खाली, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, ओड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलेंगे, विषम इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज उसको कहा जाएगा। ठीक बात है। अब देखो इसको, वो ऑर्बिटल जिनके पास विषम इलेक्ट्रॉन है, वो ऑर्बिटल जिनके पास में विषम इलेक्ट्रॉन है वो संकरण में तभी शामिल हो पाएंगे जब सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी। सराउंडिंग एटम का मतलब क्या है, जिस एटम ने घेर रखा है, एक तो सेंट्रल एटम होगा जिसने घेर रखा है साइड में, जो जुड़ा हुआ है, घेर रखा है जिसने, वो क्या सराउंडिंग एटम है। अगर घेरे हुए एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तब क्या होगा, वो जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो भी पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडेशन के अंदर। मुझे पता आपको समझ में नहीं आया, मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया जो मैं बोल रहा हूँ, आज मैं समझाता हूँ, इधर आओ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो CH3 है, ये CH3 है, C के पास में कितने वाले इलेक्ट्रॉन है, चार है जी, तीन ने तो क्या बना लिए, बॉन्ड बना लिए, तीन ने तो बॉन्ड बना लिए, अब एक बच गया, एक बच गया, अब वो ना तो लोन पेयर है, ठीक है, अगर तो होते तो वो लोन पेयर बन जाता, लेकिन लोन पेयर तो है नहीं वो, तो ये सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन बेचारा बच गया, इसलिए इसको क्या बोल दिया अपन ने, ओड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोल दिया। सबसे पहले तो बात ये हो गई। अब दूसरी बात ये है कि भाई ये एक इलेक्ट्रॉन बच गया तो ये देखो लोन पेयर तो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करता है, लोन पेयर तो हाइब्रिडाइजेशन संकरण में पार्टिसिपेट करता है ना, तो कैसे करता है बताता हूं अभी, एक मिनट रुको अभी बताता हूँ। हाँ, यहाँ पर देखा था Ab2L3 आया था अपने पास में, मतलब दो बॉन्ड और तीन लोन पेयर, तो अपन ने क्या है, बॉन्ड और दोनों लोन पेयर, दो प्लस तीन करके अपन ने क्या निकाली, sp3d निकाली, ठीक है, कि मतलब दो बॉन्ड है भाई इसमें, जो भी अपन ने निकाला था, दो बॉन्ड है इसमें और तीन लोन पेयर है, मतलब बॉन्ड और लोन पेयर दोनों को अपन ने जोड़ा था और फिर अपन ने हाइब्रिडेशन निकाली थी, मतलब यहाँ पर बॉन्ड और लोन पेयर दोनों क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये तो होगी नॉर्मल बात, ये तो लोन पेयर था तब की बात है, लेकिन यहाँ पर देखो पूरा लोन पेयर तो बन नहीं रहा जी, पूरा लोन पेयर तो बन नहीं रहा, यहां पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या अपन इस बॉन्ड, इन बॉन्ड के साथ में इस लोन पेयर को भी जोड़ेंगे क्या, ये जो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ये एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो इनके साथ में बॉन्ड को तो काउंट करेंगे ही अपन, बॉन्ड तो काउंट करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए बॉन्ड तो काउंट करेंगे अपन, गिनेंगे बॉन्ड को, तो कितने बॉन्ड भाई, तो लोन पेयर यहां पर कोई है नहीं, सिर्फ आप यहां पर तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस एक इलेक्ट्रॉन को भी काउंट करेंगे क्या। अब मान लो एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल आ जाओ, इसमें कितने बॉन्ड है, एक दो तीन, तीन तो हो गए बॉन्ड, ठीक है, अब एक ये खाली इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो अगर मैं तीन प्लस एक करूं तो क्या जाएगा, चार आ जाएगा, कितना आ जाएगा, चार, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp3 हो जाएगी, और मैं अगर इसको ना जोड़ूं, एक को ना जोड़ूं, तो तीन बॉन्ड है, तीन बॉन्ड है, तो तीन का कितना आ जाएगा, sp2 आ जाएगी, कितना आ जाएगी, sp2 आ जाएगी। तो अब मैं क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन ये है, मैं पूछना यही चाहता हूं, समझाना भी यही चाहता हूं कि ये तो क्या है, बॉन्ड है जी, ये तीन तो क्या है, बॉन्ड है, अब ये एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, दो होते तो लोन पेयर हो जाता, लोन पेयर को तो अपन क्या है, जोड़ते हैं भाई, लोन पेयर को तो अपन हाइब्रिडेशन के अंदर जोड़ते हैं, लेकिन ये एक ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है जी, एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ये लोन पेयर तो है नहीं, तो इस एक इलेक्ट्रॉन को एक एक क्या है, विषम संख्या होती है, विषम संख्या होती है ना, एक है, तो अब इसको अपन हाइब्रिडेशन के अंदर जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे, अगर ये तीन बॉन्ड में मैं एक जोड़ दूं, हाइब्रिडेशन sp3 हो जाएगी, अगर मैं ना जोड़ूं तो sp2 होगी, तो डिफरेंस आता है हाइब्रिडेशन के, जोड़ने ना जोड़ने से फर्क पड़ता है, अगर जोड़ लेंगे तो हाइब्रिडेशन चेंज हो जाएगी, ठीक है, तो अब क्या करें, तो मैंने कहा कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ना, ये जो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, इसको हाइब्रिडाइजेशन के अंदर तब ही जोड़ेंगे जब ये जो सराउंडिंग एटम है, ये जो सराउंडिंग एटम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी। वापस सुनो ध्यान से, इधर आ जाओ, ध्यान से सुना यार, बात काम की है, बहुत ध्यान से सुना, मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ना, एक इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है, इसको हाइब्रिडाइजेशन में तब ही जोड़ेंगे, देखो अगर दो होते तो लोन पेयर होता तब तो जोड़ना ही था, वो अपन अब तक करते आए हैं, लेकिन यहां पर क्या है, अगर विषम संख्या में कोई इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तब क्या करेंगे, तब उसको जब ही जोड़ेंगे हाइब्रिडेशन के अंदर, जब ही जोड़ेंगे तब क्या होगा, जब ये जो सराउंडिंग एटम है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी,
समझ में आई बात? ये जो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ना यार, एक इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है उसको हाइब्रिडाइजेशन में तब ही जोड़ेंगे या फिर जब ही जोड़ेंगे, तब जब मैं कंफ्यूज हो रहा हूं ना, उसको जब भी जोड़ेंगे तब ही जोड़ेंगे ना, तब ही, हाँ तब ही जोड़ेंगे, जब जब ये जो साइड वाले एटम है, ये जो साइड वाले एटम है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो, ठीक है। अब यहां पर देखो कार्बन है और कार्बन के साथ में कौन जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर बचा हुआ है जी। अब इस एक इलेक्ट्रॉन को मैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर काउंट करूं या नहीं करूं, जोड़ू या नहीं जोड़ू, तो आप बोलोगे भैया इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, जो साइड में एटम जुड़े हुए हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो। तो भाई हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो खराब ही है, ठीक है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो खराब ही है। तो जब सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन होगा, जब हिंदी में लिख रखा है बिल्कुल साफ साफ भाषा में, जो आप व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज आपकी उसी में लिख रखा है, जब सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन होगा और इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। विषम संख्या वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कब नहीं करेगा? जब जो साइड वाला एटम हाइड्रोजन होगा, ठीक है। यहां पर साइड वाला आइटम कौन है? हाइड्रोजन है, बिल्कुल हाइड्रोजन है। तो यहां पर पार्टिसिपेट करेगा क्या ये एक इलेक्ट्रॉन जो बच गया, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा क्या? इसको तीन के साथ में मैं जोड़ूं क्या? एक नहीं जोड़ूंगा, यहां पर हाइड्रोजन है तो नहीं जोड़ना। सिर्फ क्या है? तीन बॉन्ड है, तीन बॉन्ड है तो क्या तीन बॉन्ड ही जोड़ेंगे, और तीन का क्या आता है? एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन आती है। क्या आती है? एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन आती है। यहां पर देखो इसके अंदर देखो सी एफ थ्री, इसके अंदर देखो तीन ने बॉन्ड बना रखा है, कार्बन के कितने पास में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? चार होते हैं, उनमें से तीन ने क्या बना लिया? बॉन्ड बना लिया, बना लिया जी। एक बेचारा बच गया, अगर दो होते तो लोन पेयर हो जाता, उसको तो अपन हाइब्रिडाइजेशन के अंदर गिनते हैं। लेकिन 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 यहां पर क्या है? एक ही इलेक्ट्रॉन है जी, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये लोन पेयर तो नहीं है, ये लोन पेयर तो नहीं है, विषम संख्या वाली ये क्या है? स्पीसीज है। तो क्या करें? तो देखो भाई जो साइड में एटम जुड़ा हुआ वो हाइड्रोजन तो नहीं है ना, हाइड्रोजन तो नहीं है, तो क्या करें? तो क्या करें? तो जोड़ दो, हाइड्रोजन नहीं है तो क्या करो? जोड़ दो। तो क्या करेंगे अपन? यहां पर एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, तीन बॉन्ड हो गए, ठीक है। तो यहां पर क्या लिख देंगे? तीन। एक क्या हो गया? ये एक इलेक्ट्रॉन बच गया, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे? हाइड्रोजन नहीं है तो जोड़ेंगे, तीन प्लस एक, तीन प्लस एक कितना आ जाएगा? चार आ जाएगा, और चार ही क्या होती है? एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन होती है। इसकी क्या आ जाएगी? एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन आएगी। समझ यही बात, किसी में एक इलेक्ट्रॉन अगर बच गया है, किसी में आप हाइब्रिडाइजेशन जब भी निकालो और उसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर बचा हुआ है तो आपको क्या करना है? एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ तो आप उसको या तो मान नहीं सकते कि भाई ये क्या हो सकता है आपका लोन पेयर तो हो नहीं सकता, लोन पेयर नहीं हो सकता, तो क्या कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं, अगर साइड में एटम जो जुड़ा हुआ वो हाइड्रोजन नहीं हुआ तो जोड़ेंगे, अगर हाइड्रोजन हुआ तो नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। फिर ये देखो ClO3 है, ठीक है। इसमें देखो भाई क्लोरीन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? सात होते हैं, ठीक है। इसमें से एक दो तीन चार पांच छह, छह तो सेट हो गए, छह ने तो बॉन्ड बना लिया, छह तो हो गए सेट। अब एक बेचारा ये रह गया, सात में से एक रह गया, छह तो सेट हो रखे लेकिन एक रह गया। अब ये एक रह गया, अगर दो होते तो लोन पेयर हो जाता, लोन पेयर तो अपन हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते हैं, बिल्कुल करते हैं काउंट, लेकिन ये लोन पेयर नहीं है, ये तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन का क्या इलाज करें? एक इलेक्ट्रॉन का क्या इलाज करें? इसको जोड़े कि नहीं जोड़े? तो देखो मैंने कहा कि अब जोड़ना या नहीं जोड़ना वो किस पर डिपेंड करता है? कि भाई साइड में जो एटम जुड़ा हुआ है, साइड में जो एटम जुड़ा हुआ वो हाइड्रोजन तो नहीं है। तो इसमें देखो भाई क्लोरीन के साइड में जो जुड़ा हुआ वो कौन? हाइड्रोजन है क्या? नहीं है जी, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन नहीं है तो जोड़ दो, हाइड्रोजन नहीं है तो क्या करो? जोड़ दो। तो यहां पर क्या आ जाएगा? तीन बॉन्ड है, एक दो तीन, तीन बॉन्ड थ्री प्लस, और ये क्या हो गया आपका? एक इलेक्ट्रॉन हो गया। इसमें किसको भी जोड़ेंगे क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या जाएगा? चार आ जाएगा, और चार क्या होता है? एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन होती है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? फिर ये देखो भाई NO2 वाला, देखो NO2 वाला केस देखो। अब क्या है? देखो नाइट्रोजन है, इसने एक एक ये कर रखा है, अब इसके पास में एक लोन पेयर होना चाहिए था लेकिन लोन पेयर तो नहीं है, तो क्या करें? लोन पेयर तो नहीं है तो क्या करें? जोड़े कि नहीं जोड़े? तो मैंने कहा साइड वाले एटम को देखो, हाइड्रोजन है क्या? नहीं जी, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, साइड में क्या जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो क्या करो? क्या करो? जोड़ दो। तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे जी।
ये क्या है, एक दो, दो तो क्या हो गए बॉन्ड हो गए, दो तो क्या हो गए बॉन्ड, एक ही इलेक्ट्रॉन प्लस वन, तो कितना जाएगा तीन, तीन की आती है, तीन के लिए क्या होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब एक चीज और बताऊं आपको, एक चीज और बताऊं, चलो बताता हूं, अगर ये ऐसा होता, अगर ये ऐसा होता यहां पर लोन पेयर होता, अगर यहां पर लोन पेयर होता तो लोन पेयर क्या करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, वो इनको नीचे दबा देता, इनको नीचे दबा देता, तो इनका एंगल जो है वो क्या हो जाता, कम हो जाता। देखो sp2 के अंदर, नॉर्मल sp2 के अंदर कोई अगर लोन पेयर नहीं है तो sp2 का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है, वो 180 डिग्री होता है। ये अब मैं आपको बता चुका हूं लास्ट लेक्चर के अंदर, अगर कोई लोन पेयर वोन पेयर नहीं है ठीक है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री, 180 डिग्री बोला गया पहले, 120 120 डिग्री होगा ना, हाँ ठीक है 120 डिग्री। लेकिन अगर ऊपर लोन पेयर लगा हुआ है, अगर ऊपर लोन पेयर लगा हुआ है तो ये धक्का मुक्की करेगा, इनसे लड़ाई झगड़ा करेगा और इनको नीचे की तरफ दबाने की कोशिश करेगा। ऐसे ऐसे बॉन्ड लगे हुए हैं, ऊपर क्या लोन पेयर, वो लोन पेयर इनको नीचे दबाने की कोशिश करेगा और इनका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, 120 डिग्री से कम हो जाएगा अगर लोन पेयर हुआ तो। लेकिन यहां पर लोन पेयर नहीं, यहां पर तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर तो क्या है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की इतनी बस की बात नहीं रहेगी, इतनी बस की बात नहीं रहेगी। अब क्या है इनके ऊपर क्या है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे मैं बना रहा हूं सिंपल है ना, एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेंगे ये बॉन्ड है ना ये खुलने लग जाएंगे कि भाई अब है ना थोड़ा बहुत पास पास रह लिए, थोड़े खुल खुल के बैठते हैं, थोड़े खुल खुल के बैठते हैं, क्योंकि लोन पेयर तो है नहीं, एक इलेक्ट्रॉन के इतने बस की बात है नहीं, तो क्या करें थोड़े खुल खुल के बैठते हैं। तो इनका बॉन्ड एंगल जो है ये इधर जाएगा, थोड़ा सा ये इधर जाएगा, इनका बॉन्ड एंगल क्या है 120 डिग्री से क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा। तो आप बोलोगे भैया ये ऐसे तो क्या जा सकते हैं, ऐसे हो जाएंगे फिर, ये नाइट्रोजन है क्योंकि ऊपर लोन पेयर तो है ही नहीं, ये तो ऐसे हो जाएंगे 180 डिग्री बन जाएगा, ना जी ना 180 डिग्री नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, सीधे नहीं होंगे बिल्कुल, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ऊपर लोन पेयर नहीं होता, क्या हुआ एक इलेक्ट्रॉन तो है ठीक है, लोन पेयर नहीं है उतना ज्यादा असर नहीं दिखाएगा, लेकिन कुछ असर तो दिखाएगा ना, ये जो है कुछ असर तो दिखाएगा, कुछ असर दिखाएगा, तो ये क्या है बिल्कुल इनको 180 डिग्री एंगल पर नहीं, 120 डिग्री से ऊपर आ जाएंगे लेकिन 180 डिग्री नहीं आएंगे ठीक है, ये आपको समझ में आ गई। अभी ये NO2 के बारे में कुछ खास बातें लिख रही है, एसिडिक ऑक्साइड है ठीक है, कैन कोज एसिड रेन, एसिड रेन भी होती है इसकी वजह से, sp2 ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और बेंट है ठीक है, पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ठीक है, और ब्राउन कलर की गैस है ठीक है। तो ये आपको बताया मैंने हाइब्रिडाइजेशन इन ओड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जो ओड इलेक्ट्रॉन, जो विषम संख्या वाली, जो विषम इलेक्ट्रॉन वाली जो स्पीसीज है उनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं वो आपको समझ में आ गया। चलो फिर बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सम मॉलिक्यूल इन सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था के अंदर, सॉलिड स्टेट के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स क्या देखते हैं अपन, हाइब्रिडाइजेशन संकरण देखते हैं। अब एनसीईआरटी के अंदर अपने सिलेबस के अंदर क्या है, सिर्फ ये एक है PCl5 ठीक है। देखो आप एक जज ध्यान से सुनना, अगर आपको PCl5 कहीं लिखा हुआ दिखे, अगर आपको PCl5 कहीं लिखा हुआ दिखे और आपको बोले कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालो, तो कैसे निकालोगे, जैसे अपन ने पहले निकाली थी वही जोड़ बाकी गुणा भाग करके, वैसे ही आपको PCl5 की निकालनी है। लेकिन अगर आपको PCl5 के साथ में S लिखा हुआ दिख जाए, मतलब क्या है सॉलिड स्टेट में है PCl5, इस बार अगर आपको सिर्फ PCl5 लिखा हुआ दिखाई दे ठीक है, क्वेश्चन में सिर्फ PCl5 है, कोई S G कुछ नहीं है, सिर्फ PCl5 है, तो आप जोड़ बाकी गुणा भाग लगा देना ठीक है, जो अपना फॉर्मूला वो लगा देना, काम बन जाएगा आपका। लेकिन अगर PCl5 के आगे सॉलिड स्टेट है, S लिखा हुआ मतलब क्या है सॉलिड स्टेट में है, तब इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे, इसको दो टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, PCl4 प्लस और PCl6 नेगेटिव ठीक है, दो टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। इसकी क्या है केटाइनिक यूनिट है, ये क्या है एनायनिक यूनिट है, इसका क्या आएगा Ab4L0, इसका आएगा Ab6L0, इसका जो वो टेट्राहेड्रल आएगा, इसका ऑक्टाहेड्रल आएगा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगी, इसकी sp3d2 आएगी। ये आपको याद रख लेना, या फिर याद ही रख लेना यार इसको ना, क्योंकि एक ही केस है सॉलिड स्टेट में, एक ही मॉलिक्यूल अपने और भी होते हैं लेकिन अपनी एनसीईआरटी के अंदर और अपने सिलेबस के अंदर एक ही है, तो अपन को एक ही याद रखना है ठीक है। तो ये एक याद रख लो, अगर नॉर्मल PCl5 आपको दिखे, PCl5 अगर आपको नॉर्मल दिखे तो आप अपना जोड़ बाकी गुणा भाग वाला लगा देना, भाई इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए, फिर CL के निकालिए, उसमें भाग दे दिया 8 का, वो वाला तरीका लगा देना। लेकिन अगर आपको सॉलिड स्टेट में दिख जाए, अगर बोले कि PCl5 क्या है सॉलिड स्टेट में है, तब इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तब इसकी क्या बताओ हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तब आपको कैसा करना है कि PCl5 को तोड़ दो PCl4 प्लस और PCl6 नेगेटिव में। ये क्या है केटाइनिक यूनिट है, ये एनायनिक यूनिट है, इसका आएगा Ab4L0 टेट्राहेड्रल और इसका आएगा sp3, Ab6L0 ऑक्टाहेड्रल, sp3d2 ठीक है, ये आपको याद रख लेना ठीक है। अब चलते हैं आगे,
अब बात करते हैं कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, कौन सा नहीं करता। एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा एग्जिस्ट करता है, कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हैं। तो वो मॉलिक्यूल्स देख लेते हैं कौन से एग्जिस्ट करते हैं, कौन से नहीं करते हैं। तो एग्जिस्टिंग कौन से हैं और नॉन एग्जिस्टिंग कौन से हैं, मतलब जो कभी अस्तित्व में आ सकते हैं और कभी कोई अस्तित्व में नहीं आ सकते, अस्तित्व ठीक है, जो अस्तित्व में नहीं आ सकते उनकी बात कर लेते हैं। तो पहला क्या है, नॉन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डी ऑर्बिटल, क्या मतलब है, क्या मतलब है, इधर आओ समझाता हूँ, इधर आओ। ये क्या है जी, अपन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं, थोड़ी देर पहले नहीं, बीच में लेक्चर में देखा होगा अपने एक दो दिन। ये क्या है, एस है, ये क्या है, पी है, पी है, इधर क्या है, डी बी है, इधर क्या है, डी बी है, ठीक है, डी है। अब मैंने आपको बताया कि ये एस और पी जो है आपस में मिल जाती हैं, मैंने आपको बताया ना कमरे जो है ना, कमरे, नींद चढ़ गई भाई, कमरे जो है उनको अपन क्या तोड़कर नए कमरे बनाएंगे, उसी जगह में उसी साइज के इन सबको मिला के और एक सेम साइज के कमरे बनाएंगे। एस और पी को अपन ने जो क्या है मिक्स किया था, एस और पी को अपन ने मिक्स किया था। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई ये पी और डी भी क्या है, मिक्स हो सकती है क्या, ये डी को भी मिक्स कर सकते हैं क्या? तो मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं, डी को मिक्स करना इतना आसान नहीं है, डी को मिक्स करना पी के अंदर इतना आसान नहीं है। इसको कब मिक्स कर सकते हैं, जब जब ये जो साइड जो ये एटम है ना, देखिए साइड वाले एटम है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी तभी ये मिक्स हो पाएगा। मतलब सीधा समझो, सेंट्रल एटम की ये क्या है, एसपी डी, किसकी है, सेंट्रल एटम की, जो बीच वाला एक एटम होगा उसके जो मेन एटम है उसकी एसपी थ्री डी है। अब उसने एस और पी को तो मिक्स कर लिया, लेकिन ये डी भी मिक्स, अगर डी को मिक्स कर लेगा तो और भी इलेक्ट्रॉन ले सकता ना, और भी लोगों को वो जोड़ सकता अपने अंदर है ना, तो डी को भी मिक्स करना चाहेगा, लेकिन डी को मिक्स कब करना चाहेगा, जब उसका कोई फायदा हो, उसका कोई फायदा हो तभी तो मिक्स करेगा, तभी इतनी मेहनत करेगा। अब कोई खराब सी चीज है यार, उसके लिए क्या ही मेहनत। अब आपको कोई बताए, अब सुनो, अब आपको कोई बताए कि भाई कोई बाहर है, कोई फंक्शन है और वहां पर कोई मान लो कोई आपकी जो फेवरेट हीरोइन जो भी है ना, रश्मिका मंदाना, नोरा फतेही, कोई आई हुई है ना, कोई आई हुई है आपके गांव में फंक्शन और उसके अंदर नोरा फतेही आई हुई है, सब पहुंच जाओगे ना, सब पहुंच जाओगे, चाहे वो 2 किलोमीटर दूर आई है, गांव के अंदर 2 किलोमीटर दूर में कोई फंक्शन है उसमें वो आई है, लेकिन आप पैदल पैदल पहुंच जाओगे, मेहनत करके पहुंच जाओगे, क्योंकि नोरा फतेही आई है, ठीक है, नोरा फतेही आई है तो उसके लिए तो जाना पड़ेगा, उसके लिए तो जाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नोरा फतेही को देखने जाऊंगा, ठीक है। और वही कोई बोले कि भाई उर्फी जावेद आई है, कोई जाएगा? छोड़ना यार, इंस्टाग्राम पे देख लेंगे, वो तो आती रहती है, ठीक है, इंस्टाग्राम पे देख लेंगे, ठीक है, एयरपोर्ट पे घूमती रहती है, नो ऑफेंस, बस एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, है ना। तो बाहर नहीं जाओगे आप, तो एटम को, सेंट्रल एटम जो है उसको ये लगेगा कि भाई ये इस क्या बढ़िया चीज है, बढ़िया चीज है, तो क्या करेगा वो, क्या है भाई, मैं थोड़े से क्या है ये डी ऑर्बिटल मेहनत करूंगा और डी ऑर्बिटल को मिक्स कर लूंगा, लेकिन कोई बढ़िया चीज ही नहीं है यार, क्यों इतनी मेहनत करूं, चल मैं नहीं जोड़ रहा तेरे को। तो अगर ये जो साइड वाला एटम है ना, ये क्या है, एक्स ई क्या है यहां पर, एक्स ई क्या है यहां पर, सेंट्रल एटम है, ठीक है। अभी अगर साइड वाला एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मतलब क्या है, बढ़िया दिखने में क्या है, बढ़िया है, तो क्या करेगा उसको, भाई आजा मैं डी वाले अपने मिक्स कर लूंगा, तू आजा तेरे को जोड़ूंगा मैं, पक्का जोड़ूंगा, क्योंकि तू मेरे को बढ़िया लगता, मेरे को कितनी मेहनत करनी पड़े, मैं डी वालों को अपने अंदर ले लूंगा और तुझे मैं जोड़ूंगा। लेकिन यहां ही अगर हाइड्रोजन हुआ, ठीक है, वही F6 है, ठीक है, 6 यहां पर क्या फ्लोरिन थे, यहां पर क्या 6 हाइड्रोजन है, 6 ही है, पूरे 6 ही है, लेकिन यार बढ़िया नहीं है, मैं नहीं जोड़ सकता, जाना यार, ठीक है, छोड़ना यार, मेरे पास जगह ही नहीं है यार। होता ना स्कूल में देखो, एक एग्जांपल आपके, हाँ स्कूल में अपन बैठे हैं, स्कूल में बैठे हैं, कॉलेज में, तो भी सीट पड़ी है, ठीक है, सीट है, अगर कोई लड़की आपको बोले कि मैं यहां बैठ जाऊं, ठीक है, तो वहां पर अगर जगह ना भी हो, 3 पहले से बैठो, अगर जगह ना भी हो ना तो भी जगह बन जाती है उसके लिए, लेकिन चाहे आपको, आप तीनों को आपस में गोद में बैठना पड़े, लेकिन उस लड़की को प्रॉपर बैठाओगे। लेकिन वही कोई लड़का आ जाए कि भाई मैं भी बैठ जाऊं तेरे पास में, मैं भी बैठ जाऊं क्या यार, नई जगह है, 3 पहले से बैठे हैं, कहां बैठेगा, जगह नहीं है मेरे पास। तो वही सीन यहां पर होगा, अगर ये साइड वाला एटम बढ़िया इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आजा जी, जगह ही जगह, हम डी को भी मिला लेंगे, हम पी है लेकिन हम डी को मिला लेंगे, तू आ तो सही है ना। अगर ये हाइड्रोजन हुआ, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है नहीं, तो क्या करेगा,
छोड़ना यार, मैं हमारे डी मिलता ही नहीं, हमारे डी मिलता ही नहीं यार, मिलता नहीं, अगर मिलता होता तो मैं तेरे को बैठा लेते ना, हम तेरे को अंदर ले लेते, लेकिन यार हमारे डी मिल नहीं सकता ना उसके सामने, ऐसा मतलब रोने वाले चेहरा बना, हाँ यार हमारे यार डी तो मिलता नहीं यार, अगर डी होता ना तो हम तेरे को मिला लेते, लेकिन यार डी को ऐसे कर नहीं सकते, जैसे ये ऐप दिखा, अरे कर लेंगे ना, तो आ तो सही, डी को तो मिला ही लेंगे, ठीक है, मैं हम करेंगे ना, डी को मिलाएंगे, ठीक है, तो ये करेगा, तो अगर ये साइड वाला एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डी को आसानी से मिला लेगा, अगर ये कोई हाइड्रोजन है टुच्चा है कोई तो नहीं मिलाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखो एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल है, यहाँ पर पहले ये समझो, ये थोड़ा समझ लेते हैं ना, जब सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी, जब सराउंडिंग एटम की, सराउंडिंग एटम आपको पता है साइड वाला जो एटम है इसकी जो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, ठीक है, तभी सेंट्रल एटम उसे अपने डी ऑर्बिटल को संकरण में शामिल कर पाएगा, ठीक है, ये मैंने आपको समझा दी। अब देखो ये एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल, देखो ये एग्जिस्ट करता है भाई, ये क्या है अस्तित्व में है, ये अस्तित्व में नहीं आ सकते, अब यहाँ पर देखो वही एक्सी है, ठीक है, यहाँ पर देखो छह फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, यहाँ पर छह हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, लेकिन फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाई होती है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला तो क्या है अपने डी थ्री को भी शामिल कर लेगा, अपने डी ऑर्बिटल के भी शामिल कर लेगा, यहाँ पर क्या एच है, एच के लिए शामिल नहीं करेगा, इसलिए क्या है ये एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा कोई कंपाउंड नहीं, HGH6 आपको दिख जाए नहीं जी एग्जिस्ट ही नहीं करता, HGF2 जोड़ रखा है, यहां पर H2 जोड़ रखा है, F क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए F के लिए तो जगह बना ली इसने, D को इन्वॉल्व कर लिया, D को अंदर ले लिया, लेकिन H2 यार ना यार हाइड्रोजन के लिए कौन इतनी मेहनत करेगा, छोड़ना ये, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करता। SF6 यहां पर F6 है, यहां पर H6 है, ठीक है, ये F के लिए जगह कर सकता है तो H के लिए भी कर सकता था, ठीक है, कर सकता था, लेकिन H में वो दम नहीं है, उर्फी में वो दम नहीं है जो नोरा में है, ठीक है, sp3d2 आ जाएगा, ठीक है, sp3d2 SF6। चलो ये समझ में आ गया आपको कौन सा एग्जिस्ट करता है कौन सा नहीं करता। फिर दूसरा केस, ये तो अपने डी ऑर्बिटल का केस देख लिया, अब बात करेंगे अपन किसकी, इम्प्रॉपर कोवेलेंस, ये ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, एक बार वापस बता देता हूं, सेकंड पीरियड के जो तत्व होते हैं उनकी अधिकतम कोवेलेंसी, साइड सेकंड लेक्चर में आपको बताया होगा मैंने आपको कि जो सेकंड पीरियड के जो तत्व होते हैं ना, सेकंड पीरियड के जो तत्व होते हैं उनकी अधिकतम कोवेलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है, जो सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट है उनकी अधिकतम जो कोवेलेंसी है वो 4, मतलब सीधी सी बात होता हूं कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है ना वो ज्यादा से ज्यादा कितने बॉन्ड बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं, ये नहीं बोल रहा कि सब चार ही बनाएंगे, ये नहीं बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट हैं वो ज्यादा से ज्यादा जो बॉन्ड है वो 4 बना सकते हैं, मैंने ये नहीं बोला है कि वो 4 ही बॉन्ड बनाएंगे, मैं ये बोल रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा वो 4 बना सकते हैं, 4 से ज्यादा नहीं बना सकते, ये बात समझ में आ गई। और एक चीज और सुन लो, सेकंड पीरियड के जो तत्व हैं वो सभी क्या है, 4 से अधिक बॉन्ड नहीं बना सकते, एक बात तो ये कंफर्म हो गई। दूसरी बात कि फ्लोरीन जो है वो है तो सेकंड पीरियड का, वो कितने बॉन्ड बना सकता है, सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है, वो 4 तक पहुंचता है नहीं, वो अपने एक बॉन्ड बनाएगा बस, खलास काम, अपना काम खलास, ठीक है, तो फ्लोरीन जो है वो सिर्फ एक बॉन्ड बनाता है, और सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा, सब ज्यादा 4 नहीं बनाएंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अधिकतम वो 4 ही बना सकते हैं। अब देखो इनमें से कौन एग्जिस्ट करता कौन एग्जिस्ट नहीं करता, NCl3 है, नाइट्रोजन है, 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, नाइट्रोजन कौन से पीरियड का, सेकंड पीरियड का, 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, 4 तो ज्यादा से ज्यादा बना सकता है, 3 ही बना रखे बेचारे ने, ज्यादा 4 बना सकता है, 3 ही बना रखे हैं, तो एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा। यही NCl5 देखो, नाइट्रोजन कौन से पीरियड का एलिमेंट है जी, सेकंड पीरियड का, कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 5, बना कितने सकता है, 4, 5 बना लिए, काम खलास इसका, तो क्योंकि 4 ही बना सकते हैं सेकंड पीरियड वाले, तो 4 ही बॉन्ड बना सकते हैं, इसने 5 बना लिए, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, अस्तित्व में नहीं आएगा NCl5 कभी, ठीक है। BF4 नेगेटिव है, बोरोन कौन से पीरियड का, सेकंड पीरियड का, कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 4, तो 4 तो बना सकता है ना, 4 तो बना ही सकता है, सेकंड पीरियड का 4 बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है, तो भाई एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल करेगा एग्जिस्ट। यहां पर देखो BF6 3 नेगेटिव, बोरोन कौन से पीरियड का, सेकंड पीरियड का, कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बना सकता है, कितने बना रखे हैं, 6, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। Cl F3 क्लोरीन, ये तो भाई अलग ही हो गया ना, ये तो क्लोरीन की तो बात ही छोड़ो, ये तो आराम से बना लेगा ना, सेकंड पीरियड का ही नहीं है, ये तो एग्जिस्ट करेगा। ये देखो FCl3 फ्लोरीन कौन से पीरियड का, सेकंड पीरियड का,
कितने बॉन्ड बना सकता है? बोलेंगे चार। नहीं जी, चार नहीं बना सकता, एक ही बना सकता है। कितने बना रखे हैं? तीन। बना तो एक ही सकता है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट था, मैंने पहले बता दिया कि फ्लोरीन जो है वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट तो है, लेकिन चार बॉन्ड नहीं बना पाए, एक ही बॉन्ड बनाता है। एक से ज्यादा अपने बस की बात नहीं, एक से ज्यादा बॉन्ड बनाना अपने बस की बात नहीं है। तो इसलिए फ्लोरीन के यहां पर कितने बॉन्ड बना रखे हैं? तीन बॉन्ड। तीन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, इसलिए अस्तित्व में नहीं आएगा। ये तो ये आपको बता दिया, नॉन एग्जिस्टिंग और नॉन एग्जिस्टिंग। उसके बाद तीसरा केस देखते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस का। स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक अवरोध की बात करते हैं। ये क्या है भाई? सिंपल से भाषा में बताता हूं, है ना, सिंपल से भाषा में बताता हूं अपन, छोड़ो ये, ठीक है, नाम नाम छोड़ो, नाम में क्या रखा है, अगर की मेन चीज समझते हैं ना, नाम नाम शांति हो और जिंदगी बर्बाद कर देते कि फिर क्या मतलब, जिंदगी में ना कलेश कलेश रखे तो फिर क्या ही की शांति है, ठीक है। तो नाम छोड़ो, मैन मुद्दे की बात करते हैं, मैन मुद्दे की बात करते हैं, नाम में कुछ नहीं रखा था। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है भाई? मैं बोल रहा हूं कि अगर सराउंडिंग एटम बड़े बड़े हो, अगर साइड वाले एटम बड़े बड़े हो तो क्या हो जाएगा? स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा। मैं ये बोल रहा हूं कि भाई दे दूं एग्जांपल, चलो एक लड़का है, एक लड़का है, ठीक है, और दो लड़कियां हैं, ठीक है। लड़कियां जो हैं वो थोड़ी हेल्दी हैं, मोटी मोटी हैं, लड़कियां क्या हैं, मोटी हैं, हेल्दी हैं, और लड़का बिल्कुल पोपटलाल, ठीक है, बहुत ही पतला है। अब वो कहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है, दोस्ती बढ़िया है, दोस्ती ही है, ठीक है, दोस्ती ही है तीनों में, और वो बढ़िया जा रहे हैं। अब क्या होगा, वो देखो दो, अगर वो पतले होते, तीनों पतले होते तो वो बढ़िया कॉलेज की जो सीट है क्लास की, उसमें तीनों साथ में बैठ सकते थे, तीनों साथ में बैठ सकते थे, लेकिन वो दोनों लड़कियां क्या है, मोटी हैं, साइड एटम जो है वो क्या है, मोटे हैं, बड़े हैं, ठीक है। अब दोनों लड़कियां क्या है, मोटी मोटी लड़कियां हैं, तो भाई जगह, देखो मोटा इंसान है तो उसको जगह क्या ज्यादा चाहिएगी बैठने के लिए, जगह ज्यादा चाहिएगी। अब वो तीनों जो है वो एक, तीनों में बढ़िया दोस्ती है, लड़का और तीन दो लड़कियों में बढ़िया दोस्ती है। अगर वो तीनों बढ़िया थोड़े मतलब फिट से होते तो वो एक सीट पर बैठ सकते थे, तीनों साथ में बैठ सकते थे, लेकिन अब सीट तो वो तो लिमिटेड है भाई, सीट तो लिमिटेड है। अब वो लड़कियां थोड़ी ज्यादा हेल्दी, ज्यादा ही मोटी हैं, तो भाई तीनों एक सीट पर तो आएंगे नहीं, तीनों एक सीट पर नहीं आएंगे तो एक को क्या बैठना पड़ेगा, दूसरी जगह बैठना पड़ेगा, ठीक है, तीनों एक जगह नहीं बैठ सकते फिर, क्योंकि दोनों क्या लड़कियां मोटी हैं, तो मोटी हैं तो तीनों एक लड़का और दो लड़कियां जो है वो साथ में नहीं बैठ पाएंगे, साथ में नहीं बैठ पाएंगे तो एक लड़की को उठकर दूसरी जगह जाना पड़ेगा, तो उनके बीच तो दूरियां बढ़ गई ना, उनके बीच में दूरियां बढ़ गई, तो यहां पर क्या है, रिश्ता टूट रहा है जी, ठीक है। वो बढ़िया चिपक के बैठे थे लेकिन यहां पर बैठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, कितना ही चिपक लो, कितना ही चिपक लो, इतनी जगह ही नहीं है बैठने की, तो क्या है, जाना पड़ेगा जी, जाना पड़ेगा दूसरी सीट पर, दूसरी सीट पर जाना पड़ेगा, तो क्या है, रिश्ता टूटा, टूटा बिल्कुल। तो वैसा ही यहां पर है, मैं क्या बोल रहा हूं कि ये क्या सेंट्रल एटम है, ये क्या सेंट्रल एटम है, और साइड वाले एटम अगर बड़े बड़े हो, अगर साइड वाले एटम की साइज ये हो, ये लो जी, ये इतनी बड़ी बड़ी हो, इतनी बड़ी बड़ी साइज है साइड वाले एटम की, तो क्या होगा, ये जो है आपस में क्या होंगे, लड़ेंगे जी, आपस में क्या होगा, इनकी इनके बीच में क्या होगा, टकरार होगी, ये लो जी, ठीक है, ये आपस में, ये बीच में बेचारा पतला सा छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा है, और साइड में ये बड़े बड़े लोग, साइड में क्या है, ये बड़े बड़े लोग, तो क्या होगा, इनके बीच में क्या होगी, तकरार होगी, तकरार होगी, तो ये क्या है, मॉलिक्यूल टूटेगा, ये मॉलिक्यूल क्या है, टूट जाएगा, तो ऐसा मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अगर अगर साइड वाले एटम की साइज बहुत बड़ी है, अगर साइड वाले एटम की साइज बहुत ज्यादा बड़ी है तो ऐसा मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपस में वो टूट जाएंगे ना। हाँ, समझ में आ गई बात आपको। तो एग्जिस्टिंग और नॉन एग्जिस्टिंग, अब इनमें कौन एग्जिस्ट करता है कौन नहीं करता उनकी बात कर लेते हैं। PCl6 एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता? PCl6 एग्जिस्ट करता है नहीं करता? बिल्कुल करता है, PCl6 एग्जिस्ट करता है, लेकिन PBr6 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, PBr6 नेगेटिव जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? तो मैंने कहा कि अपन ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, ग्रुप के अंदर जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो क्या होता है, साइज बढ़ती है, तो क्या है, साइज बढ़ती है, तो क्लोरीन से नीचे कौन आता है, ब्रोमीन आता है, क्लोरीन से नीचे ब्रोमीन आता है, नीचे की तरफ आ रहे हैं तो साइज क्या होगी, बढ़ेगी, तो क्या है, बीआर जो है वो बड़ा बड़ा, ठीक है, क्लोरीन तो बीआर के कंपेयर में छोटा है ना,
बी कंपेयर में छोटा इसलिए एग्जिस्ट करता है, बी आर की साइज बड़ी 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 को क्या है फॉस्फोरस झेल नहीं पाएगा, बी आर क्या है बड़ी बड़ी है और फॉस्फोरस क्या नन्ना मुन्ना झेल नहीं पाएगा तो क्या हो जाएगा भाई बॉन्ड टूट जाएगा ठीक है। तो क्या यहां पर नॉन एग्जिस्टिंग है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, पीबीआर सिक्स एग्जिस्ट नहीं करता। एस आई एफ सिक्स टू नेगेटिव एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, करता है जी करता है क्योंकि फ्लोरीन की साइज छोटी छोटी है। फिर क्या देखो एस आई सी एल सिक्स टू नेगेटिव क्लोरीन की साइज फ्लोरीन के नीचे आता है, क्लोरीन क्लोरीन जो है फ्लोरीन ऊपर क्लोरीन नीचे आता है ग्रुप के अंदर, तो नीचे की तरफ जाएंगे तो क्लोरीन की साइज क्या होगी बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी तो एग्जिस्ट नहीं करेगा भाई, एग्जिस्ट नहीं करेगा, आपस में टकरार होगा साइज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ यार है ना, क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम के अंदर कि इनमें से कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसमें एस आई सी एल सिक्स टू नेगेटिव है ना, तो ये आपको एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं इन्हीं से आते हैं। आई एफ सेवन एग्जिस्ट करता है नहीं करता, बिल्कुल करता है, क्यों करता है फ्लोरीन की साइज छोटी है इसलिए सारे क्या छोटे छोटे चिपक जाएंगे। लेकिन आईसीएल सेवन एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं करता, क्यों नहीं करता क्योंकि सीएल जो है वो फ्लोरीन से नीचे आता है, वो फ्लोरीन से नीचे आता मतलब क्या है सीएल क्या साइज क्या है बड़ी है, सारे बड़े बड़े हो जाएंगे तो क्या है एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। तो भाई सीएल एग्जिस्ट नहीं करता तो बीआर तो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि सीएल के नीचे ही बीआर आता है तो बीआर की साइज तो और बड़ी होगी, तो आईबीआर सेवन भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपको पता लगा कौन एग्जिस्ट करता है कौन नहीं करता। अब क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेबल, इनमें से कौन सा जो है वो स्टेबल नहीं है, इनमें से कौन सा जो है वो स्टेबल नहीं है, तो अभी मैंने करवाया उनमें से आपका आंसर आ जाएगा। जो तो फॉलोइंग इज नॉट स्टेबल, जो नहीं बनेगा वो स्टेबल नहीं है भाई। एसएफ सिक्स टू नेगेटिव ये बताया मैंने आपको, एग्जिस्ट करता है बिल्कुल करता है। जी सिक्स जीई सिक्स सी एल सिक्स टू नेगेटिव करता है जी एग्जिस्ट। एस एन ओ सिक्स कभी करता है। एस आई सी एल सिक्स टू नेगेटिव अभी बताया मैंने आपको, ये नॉन एग्जिस्टिंग है तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है यार, आगे भी पढ़ाना था लेकिन आज थोड़ा लाइट का इशू रहा और क्लास भी लेट हुई, तो आज पढ़ेंगे यहाँ तक ही पढ़ेंगे ना, इसके आगे पढ़ेंगे अपन अगले लेक्चर के अंदर। इसके आगे मैंने बना रखे थे ओवरलैपिंग पढ़ाने थे, ओवरलैपिंग अगले लेक्चर के अंदर अपन स्टार्ट करेंगे। होमवर्क दे दूँ आपको, होमवर्क दे दूँ एक मिनट देना मुझे, होमवर्क देता हूँ आपको है ना, होमवर्क देता हूँ मैं आपको। एक तो होमवर्क मैंने आपको दिया अभी क्लास में, ये वाला होमवर्क करना आपको, तो क्वेश्चन करोगे तो मज़ा आएगा ना, क्वेश्चन करना पड़ेगा ना, क्वेश्चन करेंगे तभी मज़ा आएगा। यार यहाँ पर ही तो था, ये रे ये आपका होमवर्क है, इनके आपको डी और वाइटल निकालने हैं ना, और मैं आपको होमवर्क देता हूँ। मुझको रण जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। ठीक है आपको ना करेक्ट नेम ऑफ, करेक्ट नेम ऑफ शेप, शेप बतानी है आपकी है ना, शेप बतानी है इनकी है ना, ये लो जी पी सी एल सिक्स पी सी एल फाइव, इसी को एस नहीं है यहाँ पर, वो ध्यान में रखना है ना, अगर एस होता तो क्या करना आपको ना, वो अलग है, इनकी शेप बतानी है आपको ना, हाइब्रिडाइजेशन नहीं पूछा सिर्फ शेप पूछ रहा हूँ, और हाइब्रिडाइजेशन भी बताई देना यार है ना, एस एफ सिक्स एस ओ टू, यार रुको ना ये टेलीग्राम पे आप लोगों के ही मैसेज आ रहे हैं दोस्त, एक मिनट देखने दो मेरे को, एस ओ थ्री एन एच फोर, इन्हें कुछ करवा दी भी दिया मैंने ना, बी एफ फोर नेगेटिव नो एच टू ओ दस पी सी एल फाइव पी सी एल सिक्स नेगेटिव है ना, पी सी एल सिक्स नेगेटिव ग्यारह ए एल सी एल थ्री बारह बी सी एल टू तेरह एस एफ फोर चौदह एस एफ टू पंद्रह एक्सओ टू एफ टू सोलह एक्सओ थ्री सत्रह एक्सओ फोर अठारह एक्सओ एफ सिक्स
19XEF4, इन सब के आपको शेप बतानी है और इनकी हाइब्रिडाइजेशन भी आपको बतानी है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में आपको बता चुका हूँ, तो सबकी आपको हाइब्रिडाइजेशन भी बतानी है ना। XEF2 30 दूंगा, पूरे 30 दूंगा। 21 CLF3 22 BRF3 23 BRF5 24 I3 negative 25 ICL2 negative 26 I3 positive। इनमें से कुछ अपन कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी आपको कर लेना है ना। ICL प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ही बढ़िया है ना। I3 negative 27 ICL2 positive 28 PCL4 positive 29 BH4 negative 30 NO3 negative ठीक है। तो ये 30 दिए मैंने आपको, 30 क्वेश्चन दिए हैं ठीक है। इनके आपको क्या बताने हैं, शेप बताना है एंड हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, एंड हाइब्रिडाइजेशन, ये दो चीज आपको इन सब की बतानी है। प्रैक्टिस बहुत बढ़िया हो जाएगी, शेप भी बताना आपको आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन भी बताना, दोनों क्या कॉन्सेप्ट है आपस में इंटरकनेक्टेड, तो ये आपको बतानी है। ये आपका होमवर्क DPP जो आप समझना चाहो वो आपकी ये है ठीक है। तो ये अपन आज यहां तक ही पढ़ेंगे। लेक्चर जैसा भी लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।